आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हिमाचल के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज पता नहीं कितने दिनों के बाद मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ और आपके साथ भी थोड़ा थोड़ा सा खेतों में ही बात करते हैं और वहाँ खेतों का ही आपको व्यू दिखाते हैं। तो खेतों में मैं क्या क्या काम कर पाती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलो फटाफट से चलते हैं खेतों में। तो काफ़ी दिनों के बाद खेतों में आना हुआ और गेहूं वगैरह जो है वो भी उग गया, लेकिन खरगोश जो है ना वो पूरी ईमानदारी से बैठा है खाने के लिए। आधे आधे खेत ना उसने परे परे देख बिल्कुल खाली खाली कर दिए हैं वहाँ पर, और बीच बीच में ना यहाँ से भी बिल्कुल एक लाइन से लगा हुआ खाने के लिए। और मैं ना अदरक के खेतों का घास उखाड़ रही हूँ और पंकु के पापा को फोन आया था, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो भी बना ही देती हूँ। ऐसे मैंने वहाँ पे बनानी थी, जब मैंने इस क्यारे की एंडिंग करनी थी ना तब बनानी थी मैंने। और सुबह जो है मैंने वहाँ से ना एक पल्ली घास की कर ली है और नीचे नीचे से ब्यूल वगैरह भी ले लिए, लेकिन लिए मैंने नीचे नीचे से, या ये सिंगर है इसको भी नीचे नीचे, और ये वाली बीड़ ना मैंने बिल्कुल साफ कर ली है दराटी से, और एक पाली हो गई यहाँ से उसको भेज दिया मैंने घर के लिए, और जो खरपतवार था उसका ढेर लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। अब बाकी धीरे धीरे करके अब मुझे ना सारी बीड़े साफ करनी है खेतों की, और पहले मैं ये कर लूँगी। अब इसके लिए मुझे ना ये शाम के टाइम आना पड़ेगा, अभी मैं जा रही हूँ घर को क्योंकि थोड़ी सी घास रही है मेरे पास उखाड़ने के लिए। और सुबह मैं 9 बजे आ गई थी खेतों में, और छोटा छोटा सा काम ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये जो घास होती है ना इसको बिल्कुल आराम आराम से उखाड़ना पड़ता है। अगर हम जल्दी जल्दी से उखाड़े ना तो ये टूट जाती है, तो हमें तोड़ना नहीं इसको, जड़ से उखाड़ना इस तरह से। अगर आराम से उखाड़ेंगे ना तो ये जड़ से आ जाती है, और अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो टूटती है, आधी टूट जाएगी आधी उखड़ जाएगी नीचे से। तो इसलिए मैंने इसको ना बिल्कुल आराम आराम से निकाला है, और ये देखो अगर जल्दी से उखाड़ेंगे ना तो ये टूट जाती है, उखड़ती नहीं है नीचे से, तो इसलिए बिल्कुल इसको इस तरह से उखाड़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे। अगर ऐसे ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी तो ये टूट जाती है। तो अभी शायद मुझे घर जाना पड़ेगा, फ़ोन आया था कि जल्दी आ जाओ घर और खाना वगैरह भी खाओ और मुझे भी दो, मुझे जाना है कहीं काम के लिए, ऐसा बोल रहे थे। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना ही देती हूँ, ऐसे मैंने शाम के टाइम बनानी थी कि मैंने सुबह ऐसे ऐसा काम किया था। और चलो तो मैं उखाड़ लेती हूँ, थोड़ा सा ही बचा हुआ यहाँ पे, और देखो फिर से आ गया फोन। तो खाना वगैरह खा लिया है और अब जो है ना छोटा मोटा सा काम भी मैंने निपटा ही दिया है, और अभी पशु नहाने का काम सौंप दिया है मुझे। और पिछले कल भी मैं घर पर थी लेकिन छोटा मोटा जो भी काम था घर का वो मैं सारा निपटा लिया है, और आज जो है ना मुझे बोला गया कि सारे पशुओं को नहला देना, तो मैंने तो मना कर दी कि सारे पशु तो मैं ऐसे तो मैं मना ही करती, मैंने एक भी नहीं नहलाना, पानी पिलाना और बांध देना इनको। लेकिन अब हस्बैंड जी ने बोल दिया है ना, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब काम में बताया गया है और उसको ना करें, अच्छा नहीं लगता अपने आप को ही। ऐसे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है पशु नहाने के लिए, क्योंकि ना 18.5 दिन मैंने घास काटा हुआ ना, तो ये जो मेरे बाजू है ना इनमें बहुत ज़्यादा दर्द है, ऐसा मन करता है कि 4-5 दिन मैंने ना सोए रहना है, लेकिन घर में कहाँ आराम होता है। अभी जो नीचे अदरक है वहाँ का घास उखाड़ना है, फिर उसमें पानी लगाना है, अदरक वो बीज वाला अदरक है ना उसमें फिर पानी लगाना है। मुझे अभी छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा है खेतों में, जो कनक बीज रखी है वो हस्बैंड जी ने ही बीज रखी है, तो जो हमारे बच जाती है ना ट्रैक्टरों से, तो उसकी जो कुदाल से हमें गुड़ाई करनी होती है वो भी नहीं की हुई है, बड़े बुरे हाल है खेतों के। अभी मैंने एक ही खेत में गई हूँ मैं, वहाँ सुबह मैंने बीड़ का घास काटा और जो नीचे नीचे होते हैं बीड़ वो ही काटे, और एक क्यारा मैंने अदरक का घास का उखाड़ा, बस उसके बाद फिर मुझे ना 11:30-12 बजे घर पर ही हो गया, अभी भी 12:30 हो गए, तो मैं 2 पशु नहाऊंगी, ठीक है। पति का मान भी रह जाएगा और काम भी हो जाएगा, क्योंकि सारे पशु मैं नहीं नहा सकती भाई, 2 बछड़ियाँ हैं, 3 गाय 1 भैंस है, इतने पशु मेरे बस का काम नहीं, 2 नहा दूंगी मैं जो दूध देते हैं उनको नहलाऊंगी, ठीक है। तो चलो फटाफट से थोड़ा थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन पशु दूध देने वाले और बाकी कौन कौन गा भी नहीं, मैं बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा आपके साथ भी। तो आज मैंने पहली बार लगाया ट्राई बोर्ड यहाँ पे, जुगाड़ किया इसको बांध बूंद करना, वो तार तार से बांधा हुआ है, मैं बताती हूँ बैक कैमरे से, ये देखो। तो यहाँ पे ना तार से बांध दिया, इसको टूट गया था यहाँ से, तो तार से इसका जुगाड़ किया हुआ है, तो चलो देखती हूँ। ये तो बिल्कुल ही टूट गया, ये देखो
तार से बांध दिया है इसको यहाँ से, और यहाँ पे लगाऊंगी। अगर बनी वीडियो तो बन जाएगी, अगर नहीं बनेगी तो पहले मैं इनको पानी पिला, पानी पिलाने वाले को पानी पिला देती हूँ, और नहाने वाले को ना दो ही नहाऊंगी मैं, एक ये जो लाल वाली है और एक ये जो लाल और सफेद रवली है इसको नहलाना है मुझे, बाकी को मुझे पानी पिलाना है। बीच वाली गाभिन है और मैं भैंस है वो भी गाभिन है, दो बछड़ियाँ हैं, इनको पानी मैं यहीं पर पिला दूंगी। नहला देती हूँ आज, और तीन नहलाऊंगी कल दो बछड़ियाँ, और ये जो मैंने गाय पानी पिला कर बांध दी ना, इसको कल इनको तीनों को कल नहलाऊंगी, तीन नहला देती हूँ आज, छह बस नहाने के लिए। और लकी को नहलाते नहीं, लकी को ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। काम है ना बहुत ज्यादा है तो उनको कर लेती हूँ, और उसके बाद भी मुझे इसकी सेविंग करनी, क्योंकि इन बालों से ना बड़ी खारिश होती है पशुओं को। नहलाने के बाद ना थोड़ी देर उनको घूमने के लिए छोड़ देते हैं। तो पशुओं को नहलाते नहलाते दीदी का फोन आ गया था, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, दीदी जी उनके घर जाना है, क्योंकि उनके जो छोटी बेटी है उनके बेटा हुआ है, तो जो उनके ज्वाई हैं वो आ रहे हैं मिठाई लेके, जो हमारे कहीं कहीं पहले भी बोलते हैं, कहीं मिठाई भी बोलते हैं और कहीं मीठा बोलते हैं, जो मीठा लेकर आ रहे हैं वो अपने ससुराल में। तो दीदी ने बोला कि जल्दी से आ जाओ, तो मैंने तीन पशु नहला दिए और बाकी तीन बच गए, इनको ऐसे भी मैंने कल ही नहलाना था, और अभी फटाफट से ना मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं पूरी भीग गई पशुओं को नहाते नहाते, और अभी जो है जल्दी जल्दी से ना फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि उनका भी अभी फोन आया, और अपना भी जल्दी आ जाओ, तो फटाफट से ना मैं तैयार हो लेती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे नहाना है, ऐसे तो मैं हाथ मुँह ही धोती लेकिन मैं ना पूरी भीग गई हूँ, तो चलो फटाफट से मैं नहा लेती हूँ और चलते हैं फटाफट से फिर ऊपर, क्योंकि वो भी अकेले ही हैं अपने घर में। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ, और पशुओं को ना मैं तारा मेरा दिया घर तसले भी उठा ही लेती हूँ, नहीं तो ना ये तोड़ देते हैं, एक दूसरे के पास फेंकते रहते हैं। और अब चलते हैं फटाफट से और इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि ना फिर ब्लॉग लंबी हो जाती है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा बता के, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। आशा करते हैं आपसे कि आज की ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट, और अगर चैनल पर पहले बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय देवभूमि हिमाचल।